हे एवरीवन, वेलकम नटरी योगी। सो आ गए हम एक और नई वीडियो के साथ, और इस वीडियो में वर्षा भी होगी हमारे साथ, बट अभी वो हमारे साथ नहीं है क्योंकि हम उसे रास्ते से पिक करने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं आपको फिर से एक बार लेके जा रहा हूँ राजगीर, और ये सेकेंड टाइम हम लोग क्यों राजगीर जा रहे हैं वो मैं अभी आपको आगे बताऊँगा। एंड ऑल्सो हमारा गोप्रो कैसे टूट गया वो भी मैं आपको एंड में बताऊँगा, क्योंकि पहले थोड़ी अच्छी बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अभी सुबह उठ गया था, और लगभग 5 बजे मैं उठ गया था, बट निकलने में थोड़ा सा लेट हो गया मुझे क्योंकि पेप्सी भी साथ में जग गया, और जब ये जगह होता है तो मुझे काम नहीं करने देता। जब भी मैं कहीं निकलता हूँ तो इसकी हैबिट है कि ये मेरे आगे पीछे होने लगता है, पता नहीं इसे कैसे पता चलता है कि मैं कहीं जाने वाला हूँ। तो उसके बाद ये बिल्कुल ही मुझे जाने नहीं था, तो मैं मम्मी को देख के उससे बस नीचे आया, और उसके बाद फिर मैंने अपनी बाइक निकाली, और बाइक निकाल के फिर मैंने फटाफट अपने ग्लव्स लिए और एकदम से रेडी होकर निकला। मैं अभी यहाँ दरभंगा में हूँ, और ये मेरा होम टाउन है, और यहाँ से मुझे 65 किलोमीटर्स अराउंड जाना है अभी, और वर्षा को पिक करना है, वो भी ऑलमोस्ट रेडी है। तो अभी मैं रास्ते से उसे पिक करूँगा और फिर हम वहाँ से निकलेंगे राजगीर के लिए। तो ये जो पूरा ट्रैवलिंग होगा हमारा, ये अराउंड 250 किलोमीटर्स वन साइडेड होगा, तो लगभग 6 घंटे लगते हैं बाइक से, मैंने यही देखा है अभी तो गूगल मैप पर। और मैं जनरली आप सभी को बताऊँ कि मैं गूगल मैप देख के कहीं निकल जाता हूँ, ये बहुत बुरी हैबिट है। सो पहले तो निकलने से पहले हमें टंकी फुल करानी है, तो अभी टंकी फुल करा लेते हैं अपन, और टंकी फुल करवा के फिर यहाँ से निकलेंगे। जो नेक्स्ट स्टॉप होगा हमारा वो वर्षा के घर पे होगा। अब तो अब वहाँ की वीडियो आपको दिखाता हूँ मैं। सो पहुँच गए हम वर्षा के घर, और ये रहा बिल्कुल सामने में उसका घर, वो भी बाहर में वेट कर रही है हमारा। सो वो रही वो, ये भी बिल्कुल तैयार है, सब कुछ इसने शूज़ पहन रखे हैं, इसका मतलब ये रेडी है। सो अभी इसको पिक करते हैं फटाफट और निकलते हैं यहाँ से, बिल्कुल लेट नहीं करते क्योंकि 7:30 बज ही गया है अब। सो अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और ये रही पूरी फैमिली, सो सबको बाय। और यहाँ से हम निकल रहे हैं, गूगल मैप हमने लगा लिया है, नेविगेशन में आप सामने देख सकते हो मैप लगा हुआ है हमारे, और अब यहाँ से हम निकलते हैं। यहाँ से हमें अराउंड अभी 200 किलोमीटर्स कवर करने हैं। ये पटना का गांधी सेतु ब्रिज है जिस पे हमेशा जाम लगा होता है, आज लकीली जाम नहीं है हमारे लिए। सो अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं, यहाँ से हमें भगवानपुर होते हुए बिहार शरीफ होते हुए जाना है। तो अब ये पूरा ट्रैवलिंग टाइम स्किप करते हुए सीधा राजगीर में आपसे मिलते हैं। सो हम पहुँच गए राजगीर, और हमने चेक इन कर लिया होटल में, और वहाँ हमें पता चला कि हमारे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि हम 2:30 बजे पहुँचे ही थे। और यहाँ जो शांति स्तूप जो हम पहले घूमने वाले हैं उसकी एंट्री 4 बजे बंद हो जाती है, तो हमें फटाफट निकलना था यहाँ के लिए। तो हमने अपना बस सामान रखा, अभी तक तो सुबह से ज़्यादा कुछ खाया पिया भी नहीं हमने, और ना कोई रेस्ट मिला है। सो अभी सीधा हम लोग शांति स्तूप के लिए निकल रहे हैं। सो मैं आपको बता दूं कि राजगीर हम सेकंड टाइम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं राजगीर आया था तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, और यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ का रोड वगैरह सब कुछ बहुत पसंद आया था। तो पिछली बार तो हम काफ़ी हड़बड़ में थे, मैं कुछ काम से पटना आया था, और मैं बिल्कुल ही एकदम अनप्लान ट्रिप पे आया, और यहाँ से घूम के फटाफट सेमली निकल गया। तो मैं सोच रहा था कि एक बार सेकेंड टाइम आके इसे अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए, और वर्षा को भी साथ में ले लेते हैं और एक लंबी बाइक ट्रिप लेते हैं। और यहाँ से अब हम लोग पहले जा रहे हैं अंदर पार्किंग के लिए, और वहाँ पे हम गाड़ी पार्क करेंगे अपना, और उसके बाद देखते हैं कैसे क्या है यहाँ पे, एंट्री अभी भी खुली है या बंद हो गई है। गाड़ी तो पार्क हो गई थी, और अब देखते हैं क्या टिकट काउंटर का क्या सिचुएशन है इधर। सो वीडियो वैसा बना रही हो, काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा बना रही हो, बट ठीक है। सो ये रहा सामने टिकट काउंटर, और देखते हैं, देखने में तो ये लग रहा है कि बंद है शायद। ओके, ये बंद है। सो ये दोनों ही टिकट काउंटर्स बंद हैं, आई डोंट नो बंद करके कहाँ चला गया, जबकि टाइमिंग तो अभी बची हुई है, अभी तो 3 ही बज रहा है, 4 बजे तक उसे एंट्री लेनी है हमारी। सो 80 रुपीज़ टिकट है यहाँ पे, और वो चार्ज जो है वो रोपवे का है, यहाँ रोपवे से ऊपर जाना पड़ता है, तो ये रोपवे का चार्ज है। तो देखते हैं टिकट काउंटर कब खुलता है। ओके, सो हमें टिकट मिल गया था, उसके आधे घंटे वेट करने के बाद हमें टिकट मिल गया था वहाँ पे, और टिकट मिलने के बाद फिर से हमें 1 घंटे तक लाइन में वेट करना पड़ा है। और जब तक आप लाइन में वेट करते हो तो साइड में ये हैंडीक्राफ्ट्स के कुछ शॉप वगैरह हैं, तो आप घूम सकते हो। और लाइन में वेट करने के बाद आप यहाँ रोपवे पे आते हो, यहाँ पे 1 बाय 1 आप लोगों को बैठना होता है इसमें। सो लाइट काफ़ी कम हो चुकी है, आप देख सकते, ये लो सोने पे सुहागा, गया लाइट, वो भी जो भी लाइट था वो भी चला गया। सो
लाइट आ गई है वापस और हमारा टर्न आ चुका है। अब हम रोपवे में बैठ के सीधा ऊपर निकलेंगे यहाँ से। ये है यहाँ का नज़ारा रोपवे का, आप देख सकते हो। थोड़ा सा डर आपको लगेगा यहाँ पे क्योंकि बिल्कुल सेफ्टी नहीं है, ना कोई बेल्ट है ना कुछ है, बस आगे से चेयर को लॉक कर दो और बैठ जाओ। और ये रोपवे फिर आपको बिल्कुल खाई के ऊपर से दूसरे पहाड़ पे ऊपर लेके जाता है। काफ़ी डरावना भी है ये, और बीच में ये जो ब्रिजेस वगैरह आ रही हैं यहाँ पे, ये हिलता रहता है पूरा रोपवे, तो आपको थोड़ा डर लगेगा, बट ठीक है, अब सभी ऐसे ही जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं। ऊपर पहुंचने के बाद हमें तो भूख लगी ही थी, तो सबसे पहले हम आ गए भेलपुरी के शॉप पे और एक भेलपुरी खाते हुए हम यहाँ से निकलेंगे। ओके, ऊपर आने के बाद पूरा अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा वीडियो में, मैं ये स्टिल इमेज यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। अगर आप सभी को और कुछ स्टिल इमेजेस देखने होंगे ऊपर के शांति स्तूप के, तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हो। Hey, so this is the second day at Razir. तो अभी सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं और अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं अपने नेक्स्ट विजिट के लिए। ये है यहाँ की सुबह और ये है हमारा होटल का बालकनी और वो रही मेरी बाइक। अभी अब वर्षा रेडी होती है तो हम निकलते हैं अपने नेक्स्ट विजिट पे। हम निकल चुके हैं यहाँ से नेचर सफारी देखने के लिए। अभी सुबह का 9:30 बज रहा है, 10 बजे से एंट्री होती है वहाँ पे, तो होपफुली हम अर्ली मॉर्निंग निकले हैं तो टिकट हमें मिल ही जाएगा यहाँ पे। और कल हमें काफ़ी लेट हो गया था तो हम कुछ घूम नहीं पाए थे, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम आज थोड़ा जल्दी निकलें और कवर करें, क्योंकि आज ही हमें रिटर्न भी होना है यहाँ से। अभी हम पहुँच गए यहाँ पर नेचर सफारी के पार्किंग में और यहीं पर ग्लास ब्रिज वगैरह सब कुछ है जो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो। अभी देखते हैं पार्किंग का क्या सीन है इधर। ओह शिट, इतना रश है भाई यहाँ पे, इतना रश है कि मतलब लग नहीं रहा हमें कि हमें एंट्री मिलने वाली है। हद से ज़्यादा लंबी लाइन है, आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन है, मतलब बहुत पीछे की लाइन ये आ रही है। मैं तो बहुत दूर से वॉक करता हुआ आ रहा हूँ, ये देखो लाइन कितनी दूर तक है। इवन जबकि फीमेल की लाइन अलग है तब इतनी भीड़ है भाई, मतलब सिंगल लाइन होती तब क्या होता है यहाँ पे। हमें टिकट्स नहीं मिले, काउंटर बंद हो गया, 800 लोगों की एंट्री हो गई है और कुछ लोग काफ़ी गुस्सा हो गए थे इस बात से। यहाँ पर आप देख सकते हो CISF के ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं बेचारे। और ये कुछ उदास चेहरे जो कि अंदर जाना चाहते हैं बल्कि, बट इन्हें टिकट मिली नहीं है अब नहीं जा सकते। जो लोग वहाँ घूम नहीं पाए वो यहाँ उसी के बगल में एक सोन भंडार है वहाँ पर घूम रहे हैं और हम भी उन्हीं में से एक हैं क्योंकि हमें भी टिकट नहीं मिली है। अब यहाँ पर कुछ घूम लेते हैं, देखते हैं क्या है इधर। बाहर से तो कुछ नहीं दिख रहा बिल्कुल, बस छोटा सा ये पहाड़ वहाड़ है, कुछ है नहीं इधर, अंदर देखते हैं क्या है यहाँ पर। यही एक छोटी सी एंट्री गेट है इसकी और अंदर में एक अंकल हैं, वो कुछ समझा रहे हैं यहाँ की पुरानी स्टोरी और वर्षा काफ़ी ध्यान से सुन रही है। अब इसका तो नहीं पता, हम बाहर में इसे आके सवाल जवाब करेंगे क्या इसने सीखा है। गाइस यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि ये वॉल पे ना क्रेव करके कुछ लिखा हुआ है, तो आप इसे फील कर सकते हो। जब आप इस पे हाथ अपना ऐसे घुमाओगे तो कुछ फील कर सकते हो। ये देखो आप छोटी छोटी लाइन्स में कुछ लिखी हुई है, तो ये काफ़ी बहुत अलग लग रहा है। जैसे आप इसे टच करते हो तो बहुत अलग से फील होता है आपको, अंदर से ही कुछ है, मतलब अंदर है क्या है। अलग ही है ये थोड़ा, अब पता नहीं क्या है, रियल है क्या है। चलो बाहर निकलते हैं और वर्षा से स्टोरी पूछते हैं इसकी। तो क्या था बताओ? अरे ज़्यादा क्लियर नहीं, देखो बाप बेटा माँ का स्टोरी है। तो जो बेटा होता है ना वो अपने बाप को पापा को मतलब जेल में डलवा दिया, तो जब वो डलवा दिया ना तो उसकी माँ गुस्सा हो गई, इसलिए अपना जितना संपत्ति था उसका वो उसके अंदर डाल के और एक साधु था उसको दे दी और बंद करवा दी। फिर अंग्रेज साधु अंदर ही है वो नहीं बताया, वो बताया लेकिन बहुत हल्ला हो रहा था। और उसके बाद एक अंग्रेज आया ना, फिर फाइटिंग वाइडिंग किया, फिर भी ये नहीं खुला, तो सब संपत्ति अंदर ही बस। अच्छा, तो वो निकलेगा कैसे, कुछ बताया? नहीं वो नहीं बताया, वो साधु कोशिश, सॉरी अंग्रेज कोशिश किया फिर भी नहीं निकला। अच्छा, फाइनली अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं क्योंकि 2 बज गया है हमें इधर उधर घूमने में, हमने पूरा टाइम वेस्ट कर दिया इधर उधर ही। अब निकलते हैं अपन यहाँ से क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा अदरवाइज हमें शाम को घर पहुँचने में। ये कंडीशन हो रखी है GoPro की हमारी। आप देख सकते हो आगे का कैमरा इसका ठीक था, बट जो बैक साइड का इसका स्क्रीन है वो पूरा डैमेज हो चुका था। ये एक्चुअली GoPro हमारे बैग में रखा हुआ था और इसके साथ में हमारा पावर बैंक भी था, और बाइक पर स्पीड की वजह से जर्किंग फील हो रही थी, तो उसमें क्या हुआ कि ये दोनों आपस में टकरा के इतनी बार, पता नहीं कितनी बार टकराया ये बेचारा, कि ये बिल्कुल ही टूट गया। एंड अब ये यहाँ हमारे होम टाउन में तो बनेगा नहीं,
से लेके हमें दिल्ली जाना होगा। सो अब देखते हैं कि ये कैसे बनता है, कितना कॉस्ट आता है, क्या होगा इसका। एंड यही वो रीज़न है जिसकी वजह से हमारा ये पूरा ब्लॉग जो है अधूरा रह गया है। सो देखते हैं कैसे क्या बनता है ये, और बताते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस।